मूवी की पहली स्टोरी है ओल्ड चीफ वुडन हेड। शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक जनरल स्टोर जो कि एक छोटे से टाउन में है, और जनरल स्टोर है एक ओल्ड कपल का जिनका नाम रे और मार्था है, और इनके स्टोर के सामने खड़ा है एक स्टैचू और इसका नेम है ओल्ड चीफ वुडन हेड। अब हमें दिखाया जाता है जनरल स्टोर में वो ओल्ड कपल जो कि किसी बात को लेकर परेशान है क्योंकि उनका स्टोर बिल्कुल भी नहीं चल रहा, और मार्था रे को स्टोर बंद करने के लिए बोल रही थी, लेकिन रे को अपने स्टोर से बहुत लगाव है इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकता। फिर शाम के समय दिखाया जाता है तीन लुटेरों को जिनमें से एक का नाम सैम है, और वो जनरल स्टोर में आते हैं और उनके हाथ में गन्स होती है। वो स्टोर को लूटने लगते हैं और दोनों कपल देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। वो सारा स्टोर लूट कर जाते जाते उन दोनों कपल को भी गोली मार देते हैं, और बाहर आकर सैम उस ओल्ड चीफ को भी गोली मार देता है और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं वो ओल्ड चीफ स्टैचू जिंदा हो चुका था, और वो स्टैचू उन दोनों लुटेरों को मार देता है जो स्टोर लूटने में सैम के साथ थे। फिर वो जाता है सैम के घर, उसे देखकर सैम बहुत डर जाता है और उस पर फिर से गोली चला देता है, लेकिन ओल्ड चीफ पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। फिर सैम एक खिड़की से भागने की कोशिश करता है, लेकिन खिड़की से भागते टाइम ओल्ड चीफ उसके बाल पकड़कर उसका सिर काट देता है। फिर अगली सुबह जब रे स्टोर आता है तो वो देखता है ओल्ड चीफ पर खून लगा था और साथ ही उसके हाथ में सैम का कटा हुआ सिर था। अगली स्टोरी का नेम है द राफ्ट। शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कुछ दोस्तों को जो वीकेंड पर किसी तालाब पर जा रहे थे जो कि शहर से बहुत दूर है। वो वहाँ पहुँच जाते हैं और लेक में स्विमिंग करने लगते हैं, तभी वो देखते हैं एक डक को किसी ने पानी के अंदर खींच लिया है। ये देखकर वो डर जाते हैं और भागकर राफ्ट पर चढ़ जाते हैं। थोड़ी देर बाद सब नॉर्मल हो जाता है और उनमें से एक अपना हाथ पानी में डालती है, तभी उसके हाथ पर कोई चीज़ बुरी तरीके से काट लेती है और उसे भी पानी में खींच लेती है। वो सब बहुत डर जाते हैं और फिर किनारे पर जाने का प्लान बनाने लगते हैं, लेकिन तभी वो चीज़ एक और को पानी के अंदर खींच लेती है। अब सिर्फ दो ही बचे थे। थोड़ी देर में रात हो जाती है और उन्हें पूरी रात जागकर काटनी पड़ती है कि कहीं वो चीज़ उन्हें भी ना मार दे। अब सुबह तक वो दोनों बहुत थक चुके थे क्योंकि वो पूरी रात सोए नहीं थे। फिर उनमें से लड़की की आँख लग जाती है और तभी वो चीज़ उसे पकड़ लेती है। तभी वो लड़का सोचता है उसके पास भागने का अच्छा मौका है, और वो पानी में कूद जाता है और फिर किनारे की ओर तैरने लगता है। तभी वो चीज़ उसका पीछा करने लगती है, लेकिन किसी तरह वो किनारे पर पहुंच जाता है और बहुत खुश हो जाता है, लेकिन तभी वो चीज़ एक लहर की तरह आकर उसे भी पानी के अंदर खींच लेती है। ये स्टोरी थी द राफ्ट। तीसरी स्टोरी है द हिचहाइकर। हमें दिखाया जाता है एनी को जो कार से कहीं जा रही है, लेकिन ड्राइविंग करते टाइम अचानक से हाईवे पर उसकी कार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वहाँ खड़े एक आदमी को कुचल देती है। एनी उस आदमी की मदद करने के बजाय उसका उल्टा वहाँ से निकल जाती है, और रास्ते में इसी एक्सीडेंट के बारे में सोच रही थी तभी वो मिरर में देखती है कोई लंगड़ाते हुए उसका पीछा कर रहा है। वो वही आदमी था जो कार के नीचे आया था, और तभी वो उसकी कार के पास पहुँच जाता है और खिड़की पर लटक कहता है थैंक्स फॉर राइड। उसे पीछा छुटाने के लिए एनी कार को कच्चे रास्ते में तेज़ी से भगाती है और वो हिचहाइकर नीचे गिर जाता है, लेकिन थोड़ी दूर जाने पर वो आदमी फिर से उसकी कार के आगे आ जाता है, लेकिन एनी इस बार भी उसे कुचल कर आगे चली जाती है। लेकिन वो एनी का पीछा छोड़ने को तैयार नहीं था और फिर से उसकी कार पर चिपक जाता है। यहाँ पर एनी उसे बार बार पेड़ के बीच टक्कर मारकर बुरी तरह से कुचल देती है। टूटी हुई कार के साथ घर जाती है और जैसे ही उतरती है उसे सुनाई देता है थैंक्स फॉर राइड, और ये कहकर वो हिचहाइकर एनी को मार देता है। थोड़ी देर बाद एनी का हस्बैंड वहाँ आता है और वो देखता है एनी वहाँ मरी हुई थी, उसके हाथ में एक बोर्ड भी है। तो ये स्टोरी थी द हिचहाइकर, और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।